हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने इस इन चारों का डेफिनेशन पढ़े थे सो so, इस लेक्चर में हम लोग एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से ही वीडियो को बनाया है सो so, स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना सो ऑन पेज नंबर सेवेंटी टू ये मनन प्रकाशन का बुक है उसके उस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा बुक है सेमेस्टर के लिए आई होप आप लोग भी ये यूज़ कर रहे होंगे सो इलिस्ट्रेशन नंबर वन जो सॉल्व एग्जांपल नंबर वन है उसको मैं आज सॉल्व करूँगा एंड आगे इसके टाइप के जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करूंगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स हैं उसको सॉल्व सौल, करेंगे आज एंड आगे भी सॉल्व करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी सो so, क्वेश्चन क्या दिया है टू फेयर डाइस रोल्ड इफ़ एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेसेस ऑफ द डाइस ओके टू फेयर डाइस अगर हम लोग रोल्ड करते हैं सो so, जो कैपिटल एक्स है जो हमारा रैंडम वेरिएबल रहता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ओके okay? ये क्या डिनोट करता है कि सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द अपर मोस्ट अपर मोस्ट फेसेस मीन्स क्या होता है जो हम लोग डाइस रोल्ड करते हैं तो जो फेस सामने दिखता है जैसे रोल किया टू आया तो हम लोग वो टू को लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसके अंदर टू चलते हैं राइट ना सो so, उसी को हम लोग अपर मोस्ट फेसेस बोलते हैं सो so, जो अपर मोस्ट फेसेस पे जो नंबर अपेयर करेगा उसको क्या करना है ऐड करना है राइट ना अभी जैसे हम लोग अगर लूडो खेलते हैं तो हम लोग अगर दो दो डाइस अगर रोल्ड करते हैं यहाँ पे टू डाइस की बात कर करें राइट ना सो so, अगर हम लोग टू डाइस रोल्ड करते हैं तो हम लोग को एक डाइस में सपोज टू आया सेकंड वाले डाइस में अगर सपोज थ्री आया फर्स्ट वाले डाइस में टू आया सेकंड वाले में थ्री आया तो हम लोग को क्या करना है इन दोनों को क्या करना प्लस करना है बिकॉज यहाँ पे लिखा है सम करना राइट ना सो हम लोग टू प्लस थ्री करेंगे ओके okay, टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव आ जाएगा सो so, फाइव हम लोग लूडो में चलते हैं या साप सीढ़ी खेलते हैं तो उसके अंदर चलते हैं राइट ना सो वही बात कर रहे हैं कि की यहाँ पे कि टू डाइस रूल करने पे जो अपर मोस्ट फेसेस रहेगा नंबर अपेयर करेगा उसको हम लोग को क्या करना है सम करना है तो सम करेंगे वही हमारा क्या रहेगा कैपिटल एक्स रहेगा राइट ना सो so, इस चैप्टर में हम लोग को पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि वही टे, वही चैप्टर का नेम भी है ओके सो एंड उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा फाइंड पी ऑफ एक्स लेस देन फोर मीन्स अगर लेस देन फोर रहा तो जो एक्स है ओके okay, वो लेस देन फोर रहा तो क्या क्या आएगा उसका प्रॉबिलिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा तो उसका प्रॉबिलिटी क्या आएगा एंड इफ एक्स बिटवीन थ्री एंड सेवन थ्री एंड सेवन के बीच में रहेगा ओके थ्री एंड सेवन को काउंट नहीं करेंगे थ्री एंड सेवन के बीच में रहेगा तो हमारा उसका प्रॉबिलिटी क्या आएगा इफ एक्स ग्रेटर देन थ्री है तो उसका इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ओके इफ़ एस इज अ सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक्स को हम लोग क्या डिनोट करते हैं हमेशा सैम्पल स्पेस लेते हैं ओके सो अगर हम लोग टू डाइस रोल करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनता है वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री ऐसे करके सिक्स सो so, इस सैम्पल स्पेस में कितने नंबर है इसको हम लोग एन ऑफ एस बोलते हैं एन ऑफ कितना है थर्टी सिक्स करके दिया है ओके हम लोग काउंट करेंगे तो थर्टी सिक्स ही आता है सो so, ये सैम्पल स्पेस को कैसे बनाते हैं ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है कि कैसे लेते हैं अभी यहाँ पे जो ये है ये फर्स्ट वाला डाइस का अभी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखा राइट ना जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट डाइस का है एंड जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या है सेकंड डाइस का है सेम यहाँ पे ये फर्स्ट डाइस का है ओके एंड ये क्या है सेकेंड डाइस का है ओके फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके हम लोग सैम्पल स्पेस में नंबर करके बनाए हैं सो ब्रैकेट के अंदर जो बना है ओके okay, ये वाले फर्स्ट जो फर्स्ट वाला नंबर रहेगा वो फर्स्ट डाइस का है सेकेंड वाला रहेगा वो क्या रहेगा सेकंड डाइस का रहेगा सो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे याद कैसे रहेगा आप लोग को लिखने का कितने लोग बच्चे लोग भूल जाते हैं तो आप लोग को याद कैसे रहेगा अभी देखिए जो फर्स्ट डाइस का हम लोग अगर ये हम लोग या तो रो में बात करें या तो कॉलम में बात करते हैं अगर हम लोग रो में बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट डाइस को मैंने फिक्स रखा वन 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 एंड सेकेंड डाइस में नंबर लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेकेंड लाइन में मैंने टू को फिक्स रखा है देखिए टू 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 एंड टू फर्स्ट वाले डाइस का राइट ना एंड सेकंड वाले डाइस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेम हम लोग को थ्री लेना है फर्स्ट वाले डाइस में फिर सेम फर्स्ट वाले डाइस में फोर फिक्स करना है फिर फाइव फिक्स करना है फिर सिक्स फिक्स करना है एंड सेकंड वाले डाइस में हमेशा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके फिक्स रहेगा सेकेंड वाले डाइस में राइट ना सो ये बहुत ही सिंपल है एंड इसके बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आगे क्या रहेगा सो so, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट पी एक्स लेस देन फोर पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो ये फाइंड आउट करने से पहले हम लोग पहला फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कैपिटल एक्स की बात किया राइट ना जो कैपिटल एक्स है कैपिटल एक्स क्या है हमारा सम है राइट ना सम ऑफ नंबर अपेयरिंग ऑन दी अपर मोस्ट फेसेस राइट ना अपेरिंग ऑन दी अपर मोस्ट फेसेस ये क्वेश्चन में लिखा है सो so, हम लोग एक्स फा, प्रोबिलिटी फाइंड आउट कर लेते तो प्रॉब्बिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे फिस पहले हम लोग टू का फाइंड आउट कर लेते हैं एक एक करके फाइंड आउट करेंगे ओके okay? सो so, अगर इसके अंदर हम लोग सम करते जाए सम बोला राइट right ना एक्स जो रहेगा वो हमारा कैपिटल क्या रहेगा सम रहेगा तो अगर हम लोग सम करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से सो वन प्लस वन टू स्टार्टिंग वाला टू आया एंड लास्ट वाला देखेंगे सिक्स कॉमस सिक्स राइट ना सो सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेल्व हो गया सो so, टू से लेकर ट्वेल्व तक हम लोग नंबर लिखेंगे सो so, टू से लेके ट्वेल्व तक नंबर लिखेंगे सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओके सो टू से लेके हम लोग ट्वेल्व तक लिख देंगे ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया था इसको कट कर देते हैं ओके okay? सो so, जो आपको ये टेबल बनाना है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ओके सो ये आपको टेबल बनाना है ये पेन से ड्रॉ करना है एंड पेन से ब्लू पेन से लिखना है सो so मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करता हूं ओके सो ये बात की बात है सो so ये क्या है प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बाय ओके प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ओके okay, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सो so, इसको हम लोग को पी ऑफ एक्स जो हमारा रो है इसको हम लोग को फिलअप करना है सो so, फिलअप कैसे करेंगे पहला हम लोग एक्सजग गल टू टू के अभी ये क्या है एक्स एच गुल टू टू एक्स एच गुल टू थ्री एक्स गुगुल टू फोर एक्स गुल टू फाइव टू सिक्स ऐसे करके एक्सेज टू ट्वेल्व तक रहेगा हमारा ओके okay, सो so, हम लोग पहले एक्सेज गुल टू टू करके लेते हैं ये जो हमारा पी ऑफ एक्स रहता है इसको हम लोग और भी बोलते हैं पी ऑफ एक्स इजुअल टू एक्स भी बोलते हैं right राइट ना ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए ओके okay? इसको पी ऑफ एक्स को हम लोग पी ऑफ एक्स इजुअल टू एक्स भी बोलते हैं ओके सो हम लोग को पी ऑफ एक्स इजुअल टू टू के लिए हम लोग को उसका जो प्रॉबिलिटी आएगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ओके okay? सो so ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे जो एंड रे प्रॉबुलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फिलअप कर देंगे सो पी ऑफ एक्स इज टू टू अभी ऐड करने पे टू आना चाहिए ऐसे कौन से हैं ओके ऐड करने पे टू कौन कौन सा क्योंकि एक्स क्या है कैपिटल एक्स क्या है सम करना है राइट right ना दोनों डाइस को क्या करना है सम करना है सम करने पर कितना आना चाहिए टू आना चाहिए तो ऐसा कौन सा नंबर है देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस में सो सैंपल स्पेस में एक ही नंबर है वन कॉमा वन दोनों को वन प्लस वन करने पे क्या आता है टू आता है तो हम लोग इसको आगे लिखेंगे पी ऑफ ऐसा करली ब्रैकेट बनाएंगे वन कॉमा वन एक ही आता है राइट ना सो तो ये क्या है एक ही आया राइट ना एक ही आया और भी और भी दूसरा नंबर ऐड करेंगे तो टू नहीं आएगा एक ही आएगा वन कॉमा वन वन प्लस वन कितना होता है टू होता है एक्स के हमारा याद रखिए सम है ओके सो वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्यों आएगा बिकॉज एन ऑफ़ एस कितना है थर्टी सिक्स सो एक फार्मूला है एक सो पी ऑफ ए इजगल टू अगर ए हम लोग बात कर लेते हैं ओके पी ऑफ ए इजगल टू एन ऑफ़ ए डिवाइड बाय एन ऑफ़ एस ये हमारा प्रॉब्बलिटी का फॉर्मूला होता है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है राइट ना सो so, यहाँ पे एक्स की बात की है तो नंबर ऑफ एस डिवाइड बाय अगर हम लोग यहाँ पे ए के जगह पर एक्स लिख लेते हैं तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स हो जाएगा लेकिन ये फिक्स रहता है एन ऑफ़ एस डिवाइड में फिक्स रहता है मीन्स जितने भी नंबर रहेंगे सबके नंबर नीचे डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ही आएगा ओके एंड ऊपर का नंबर चेंजेस होते रहेगा सो so, ये तो बात होगी टू की अब भी अगर हम लोग बात करें एक्स इजल टू थ्री की सो so, ऐड करने पे थ्री आना चाहिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं ओके okay? कौन कौन से हैं ऐड करने पे थ्री आना चाहिए सो वन प्लस टू ये क्या हो गया थ्री हो गया ओके okay? ये आया मिला एंड कौन सा रहेगा टू कॉमा वन टू प्लस वन थ्री होता वन कामा टू थ्री होता तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वन कामा टू और करके लिखेंगे टू कॉमा वन ओके okay, दो ही ऐसे है नंबर्स हैं जिसको ऐड करने पे थ्री आता है एक्सेजिकल टू राइट ना और यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी ऐड करने पे थ्री आता है क्या नहीं सो ये वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन दो ही एक ऐसा है जो ऐड करने पे थ्री आता है सो so, ये कितने नंबर है वन ये वन हो गया ये टू हो गया सो टू डिवाइड बाय थर्टी ओके okay, इसके बाद हम लोग फोर की बात कर लेते हैं पी ऑफ एक्सल टू फोर की बात कर लेते सो ऐसे ऐड ऐसे कौन से हैं जो सैंपल स्पेस में देखिए जो ऐड करने पे फोर आना चाहिए ओके सो ऐड करने पे फोर कौन कौन से आते हैं वन थ्री वन प्लस फोर सॉरी वन प्लस थ्री फोर होता है एंड टू प्लस टू कितना होता है फोर होता है थ्री कॉमा वन कितना होता है फोर होता है और भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ऐड करने पे फोर आए यही तीनों हैं जो ऐड करने पे फोर आते हैं तो ये तीनों को हम लोग ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं कर ली ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से हैं वन कॉमा थ्री और टू कॉमा टू और थ्री कॉमा वन ये तीन है जो ऐड करने पे फोर आता है राइट ना सो so, कितने नंबर है थ्री है जो तो थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ओके सो टू के लिए वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स थ्री के लिए टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फोर के लिए थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स एंड सो ऑन ऐसे करके हम लोग को मिलते रहेगा ओके okay, एक्सेजुल फाइव लेंगे तो फोर डिवाइड बाय सिक्स मीन्स जो नंबर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ओके okay, फोर लिखे हैं तो यहाँ पे थ्री आया थ्री लिखे हैं तो टू आया टू लिखे तो क्या आया वन आया मीन्स एक नंबर कम होते जाता है सो so हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग फिलअप करेंगे सो so इसका क्या था प्रोबेबिलिटी वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ओके इसका टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स इसका क्या है फोर डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स सिक्स डिवाइड बाय थर्टी सिक्स इसके बाद रिवर्स हो जाता है ओके रिवर्स कैसे होता है फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फोर डिवाइड बाय थर्टी सिक्स थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स सो हमने वन से लेकर सिक्स तक गए ओके या तो हम लोग ऐसा भी बोल वो सकते हैं वन से लेके फाइव तक और यहाँ से वन से लेके फाइव तक लिख दो एंड मिडल में सिक्स डिवाइड बाय थर्टी सिक्स और सबके अंदर डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है तो ये बहुत ही सिंपल है याद करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं, नहीं है सिर्फ आपको वन से लेके फाइव तक लिखो ये साइड ये साइड से वन से लेके फाइव तक लिखो एंड मिडल वाले में सिक्स लिख दो बस ये बहुत ही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है सो so, हम लोग को पता है कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स ये क्या होता है वन होता है एक्स फ्रॉम वन से लेके ट्वेल्व तक दिया है राइट ना सॉरी व टू से लेके कर एक्स जो है हमारा टू से लेके कितना है ट्वेल्व तक है सो so अगर हम लोग उसका सम्मिशन ऐड करेंगे ये इस रॉ को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को वन मिलेगा हमने ये डेफिनेशन में ही पढ़ा है ओके okay? जो प्रोबेबिलिटी रहता है उसको हम लोग ऐड करते तो क्या मिलता है वन मिलता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके सो इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करना है जो हम लोग को मेन फाइंड आउट करना है मेन क्या फाइंड आउट करना है पी ऑफ एक्स लेस देन फोर ये फाइंड आउट अभी ये चारों हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओके सो फर्स्ट वन इज पी ऑफ एक्स लेस देन फोर था सो पी ऑफ एक्स लेस देन फोर लेस देन फोर मीन्स कहाँ तक जाएगा टू से ले टू थ्री आएगा फोर नहीं आएगा राइट right ना सो so हम लोग पी ऑफ एक्स इजल टू टू ओके और एक्स इजल टू थ्री यही आएगा राइट right ना जो पी ऑफ रहेगा एक्स इजल टू टू और एक्स इजल टू थ्री यही रहेगा सो so हम लोग क्या करेंगे अभी इसको सेपरेट दे, कर देंगे पी ऑफ एक्स इजल टू टू प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री बिकॉज एक्स जो है टू से स्टार्ट हो रहा है राइट ना टू से स्टार्ट हो रहा है टू थ्री फोर एंड अप टू ट्वेल्व तक है राइट ना टू से स्टार्ट हो रहा है वन से नहीं स्टार्ट हो रहा है एक्स राइट ना सो लेस देन फोर बोला है लेस देन फोर मीन्स थ्री तक आएगा राइट ना सो लेस देन फोर मीन्स टू एंड थ्री तक हम लोग काउंट टू एंड थ्री ही लेंगे ओके सो पी ऑफ एक्स इजल टू टू प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री सो पी ऑफ एक्सजुल टू टू मीन्स जो एक्स इजुल टू टू का जो प्रॉबेबलिटी था वो क्या था वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स था एंड एक्सल्टू थ्री का जो प्रोबेबिलिटी था वो क्या था टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है इसको हम लोग टेबल में देखते हैं एक्स एजू टू का प्रोबेबिलिटी क्या है वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स थ्री का क्या है टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है सो इन दोनों हम को हम लोग को सिर्फ ऐड करना है ओके okay? जो इसका प्रॉब्लिटी इन लोगों को क्या करना है ऐड करना है सो so, वही मैंने यहाँ पे लिया ओके अभी ऐड करने में तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज़ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम है तो हम लोग ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर में को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे वन प्लस टू कितना होता है थ्री थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स राइट ना अब थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है तो थ्री और थर्टी सिक्स में कैंसिल होता है क्या थ्री के टेबल में थर्टी सिक्स आता है क्या यस yes, आता है ओके थ्री वन जै थ्री थ्री ट्वेल्व जहां कितना होता है थर्टी सिक्स होता है तो वन डिवाइड बाय ट्वेल्व आंसर हम लोग को मिल गया मीन्स पी ऑफ एक्स लेस देन फोर इसका जो प्रॉबिलिटी रहेगा लेस देन फोर तक वो हमारा क्या रहेगा वन डिवाइड बाई ट्वेल्व रहेगा ओके आफ्टर दिस जो हमारा सेकेंड दिया है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टेन ओके यहाँ पे बात कर रहा है ग्रेटर देन एन इक्वल टू टेन की बात कर रहे हैं ओके मीन्स ऐसा अगर हम लोग को बात करता है कि पी ऑफ पी ऑफ़ एक्स ग्रेटर देन टेन तो हम लोग टेन को काउंट नहीं करते राइट ना बट यहाँ पे इक्वल भी दे दिया इट मीन्स हम लोग टेन को काउंट करेंगे सो so, टेन को काउंट करेंगे सो पी ऑफ ओके हम लोग uh, लिख ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से आएंगे ओके एक्स इक्वल टू टेन और एक्स इक्वल टू इलेवन और एक्स इक्वल टू ट्वेल्व ये तीन आएंगे ओके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी बोला है इक्वल टू बोला इट मीन्स हम लोग को टेन से टेन भी लेना है सो टेन टेन इलेवन ट्वेल्व लास्ट तक हमारा क्या है ट्वेल्व है राइट ना सो टेन इलेवन ट्वेल्व हम लोग को ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू टेन क्या है टेन इलेवन ट्वेल्व है इसलिए हम लोग ये नंबर ले लिए अभी इसके बीच में हम लोग को पता है कि क्या करना है प्लस डालना है सबके अंदर पी लिख के ओके पी ऑफ एक्स इजल टू इलेवन प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू ट्वेल्व okay, ओके तीनों को हमने लिख लिया अब लिखने के बाद इसका जो टेन का प्रोबेबिलिटी है इलेवन का जो प्रोबेबिलिटी है एंड ट्वेल्व का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग देखते पहला सो so, टेबल में देखेंगे तो थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स टू डिवाइड बाई थर्टी सिक्स वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है सो so, ये तीनों को हम लोग को क्या करना है प्लस करना है सो so, हमने टेबल में देखा एक्सीटूल टू तो टेन के लिए क्या दिया है थ्री डिवाइड थर्टी सिक्स इसका क्या दिया है टू डिवाइड थर्टी सिक्स इसका क्या दिया है वन डिवाइड थर्टी सिक्स यहाँ पे अगेन सेम हम लोग को नीचे का डिनोमिनेटर सेम है एट मीन्स हम लोग को नोमरेटर का नंबर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ये एडिंग का फ्रैक्शन एडिंग का मेथड है ओके डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो नोमरेटर को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं सो ऐड करेंगे तो थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स होता है सिक्स डिवाइड बाय थर्टी सिक्स अगें सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स आता राइट ना तो सिक्स वन जहाँ सिक्स 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 जहा कितना होता है थर्टी सिक्स होता है सो वन डिवाइड बाई सिक्स हम लोग को मिल गया सो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टेन के लिए हमारा क्या मिला प्रोबेबिलिटी वन डिवाइड सिक्स ओके थर्ड क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पी ऑफ थ्री एक्स बिटवीन थ्री एंड सेवन सो थर्ड ये दिया है जो एक्स रहेगा हमारा थ्री एंड सेवन के बीच में ओके okay. थ्री से बड़ा एंड सेवन से छोटा सो so अगर हम लोग नंबर लिखते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप टू ट्वेल्व तक दिया राइट right ना सो so, क्या बोल रहा क्वेश्चन में जो एक्स है हमारा वो थ्री से बड़ा है इक्वल नहीं है यहाँ पे यहाँ पे भी इक्वल नहीं है राइट ना सो एक्स जो है वो थ्री से बड़ा थ्री से बड़ा कौन सा नंबर आएगा फोर आएगा राइट right ना एंड यहाँ पे क्या बात करें सेवन से छोटा ओके okay? जो एक्स है, है इन दोनों के बीच में थ्री एंड सेवन के बीच में ये थ्री है एंड ये सेवन है इन दोनों के बीच में राइट ना सो so, थ्री को हम लोग काउंट नहीं करेंगे सेवन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिया है right राइट ना इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सो so, थ्री से लेकर सिक्स तक हम लोग नंबर लेंगे ओके सॉरी फोर से ले कर सिक्स तक सो so, कौन कौन से नंबर मिले फोर फाइव सिक्स मिले सो पी ऑफ ओके एक्स इज टू फोर और एक्स इजल टू फाइव कैपिटल में लिखते हैं और एक्स इजल टू सिक्स ये तीन नंबर है राइट ना इस कैपिटल लेगा सो so ये तीनों नंबर का अभी फोर का प्रोबेबिलिटी फाइव का प्रोबेबिलिटी एंड सिक्स का प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है टेबल में देखेंगे तो फोर का एक लेस देन करते राइट ना कम करते तो थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स आएगा फाइव है तो फोर आएगा फोर डिवाइड बाय थर्टी सिक्स एंड सिक्स है तो क्या आएगा फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स आएगा हम लोग को अगेन सेम हम लोग को ऐड करना है ओके okay, ऊपर वाले नंबर को थ्री प्लस फोर कितना, कितना होता है सेवन सेवन प्लस फाइव कितना होता है ट्वेल्व होता है तो ट्वेल्व डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ओके ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स तो वन डिवाइड बाय थ्री हम लोग को प्रोबेबिलिटी इसका मिल गया ओके सो एक्स बिटवीन थ्री एंड सेवन रहेगा तो उसका प्रॉब्लिटी क्या आएगा वन डिवाइड बाय थ्री आएगा नाउ फोर क्या दिया है एक्स ग्रेटर देन थ्री फोर्थ दिया है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री मीन्स थ्री से लेके जो थ्री से बड़ा राइट ना सो अगेन नंबर हम लोग लिखते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू ट्वेल्व तक नंबर है राइट ना सो so यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है जो एक्स रहेगा वो थ्री से बड़ा रहेगा थ्री से बड़ा मीन्स फोर से हम लोग काउंट करेंगे ट्वेल्व तक जाएंगे ओके सो so इतना नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो नहीं तो अदर वे भी है इसका फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग लिख लेते हैं पहला पी ऑफ एक्स इजल टू फोर एक्स इजल टू फोर और एक्स इजल टू फाइव सॉरी कैपिटल एक्स रहेगा मैं भूल जा रहा हूँ ओके आप लोग भी मत भूलिए एक्स इजल टू सिक्स और एक्स इजल टू सेवन और एक्स इजल टू एट और एक्स इजल टू नाइन और एक्स इजल टू टेन और एक्स इजल टू एलेवन और एक्स इजल टू ट्वेल्व ओके सो आप डायरेक्ट ऐसा भी पुट करके कर सकते हो वरना रिवर्स करेंगे वन माइनस में करेंगे तो वो भी आप वैसा कर सकते हो बट आप लोग को वो मैं देखा हूँ बच्चे लोग वो भूल जाते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट करो थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है ओके okay? एक ही मेथड याद रखो डिफरेंट ज़्यादा मत पढ़ो ओके सो ग्रेटर देन थ्री के लिए ग्रेटर देन थ्री मीन्स फोर से हम लोग काउंट करेंगे एंड ट्वेल्थ तक जाएंगे सो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अप टू ट्वेल्व तक ही था राइट right ना सो so, थ्री से ग्रेटर देन मीन्स फोर से काउंट करेंगे एंड ट्वेल्व तक जाएंगे जो हमने नंबर लिख लिया अभी सबका प्रॉबेबिलिटी हम लोग को पता है हम हम लोग लिख लेते हैं फोर का क्या है सो so, अब पहला हम लोग ऐड कर देते हैं पी ऑफ एक्स इजल टू फोर प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू फाइव प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू सिक्स प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू सेवन प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू एट प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू नाइन प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू टेन प्लस पी ऑफ एक्स इजल टू इलेवन प्लस पी ऑफ एक्सुअल टू ट्वेल्व सो हम फोर से लेकर ट्वेल्थ तक हमने ऐड कर दिया ओके okay, जो ग्रेटर देन थ्री है राइट ना सो so, सबका प्रोबेबिलिटी लिख के हम लोग ऐड कर देते हैं आंसर हम लोग को मिल जाएगा सो so, फोर का क्या है प्रोबेबिलिटी एक कम नंबर रहता है राइट ना थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फाइव का क्या है फोर डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स सिक्स डिवाइड बाय थर्टी सिक्स राइट ना इसका सेवन का क्या रहता है सिक्स डिवाइड बाय थर्टी सिक्स फिर एट का हम लोग रिवर्स जाता है रिवर्स जाता है मीन्स फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स प्लस फोर डिवाइड बाई थर्टी सिक्स आप लोग को अगर नहीं चाहिए तो आप लोग को टेबल में देख लो ओके okay? इसका हो गया प्लस थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स प्लस टू डिवाइड बाय थर्टी सिक्स प्लस वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स ओके लास्ट वन का ट्वेल्व का क्या रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स करके दिया है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लो बिकॉज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो क्या है सेम दिया राइट ना सो जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे तो थ्री प्लस फोर कितना होता है सेवन तो सेवन प्लस फाइव कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना होता है एटीन एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फोर कितना होता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री थर्टी थर्टी प्लस टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री सो थर्टी थ्री डिवाइड बाय थर्टी सिक्स हम लोग को इसका प्रॉब्बलिटी मिल गया सो so, इसको भी और हम लोग मॉडिफाई कर सकते सिंपल आंसर ला सकते छोटा सा आंसर ओके सो थ्री के टेबल में सभी जाते राइट ना सो इलेवन थ्री जा डबल ट्रिपल थ्री होता है एंड uh, थ्री के टेबल में ये भी जा रहा है राइट ना थ्री एलेवन जा डबल थ्री एंड uh, ट्व ट्वेल्व इंटू थ्री कितना होता है थर्टी सिक्स होता है तो हम लोग को इलेवन डिवाइड बाई ट्व मिल गया अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता तो ये हमारा फाइनल आंसर है सो जो क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन में दिया था सो ये चारों को हमने सॉल्व कर लिया राइट ना सो ऐसे ही सेम एग्ज़ाम्पल पेज नंबर एटी पे है ओके okay, जो एक्सरसाइज जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर एटी ओके उसके ऊपर दिया है सेम क्वेश्चन दिया है सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो डिफरेंट दिया है तो आपको आप अप टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वहाँ तक आपको सेम करना रहेगा उसके बाद जो हम लोग एक एक करके फाइंड आउट किए वैसा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐसा करके फाइंड आउट करेंगे सो ये देखो अभी यहाँ पे वहाँ पे क्या था थ्री एंड सेवन के बीच में था राइट ना जो एक्स यहाँ पे फाइव एंड टेन के बीच में है सेम हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है फोर है वहाँ पे क्या था एक्स ग्रेटर देन थ्री था तो उसके साथ सेम है यहाँ पे लेस देन फोर लेस देन फोर मीन्स कौन सॉरी लेस देन फाइव लेस देन फाइव मीन्स कौन कौन से नंबर आएंगे लेस देन फाइव दिया लेस देन फाइव कौन से नंबर आएंगे टू थ्री फोर बस टू थ्री फोर आएंगे बिकॉज लेस देन फाइव है अगर इक्वल टू फाइव रहता तो हम लोग फाइव भी काउंट करते राइट ना सो ये भी आपको आ गया अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री ओके सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ओके सो फर्स्ट वन क्या है पी ऑफ एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ थ्री ये हम लोग को फाइंड आउट करना है जो एक्स दिया है यहाँ पे वो क्या है मल्टीपल ऑफ थ्री रहना चाहिए मीन्स एड करने पर हम लोग को जो थ्री का मल्टीपल रहेगा थ्री का मल्टीपल रहेगा थ्री का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं थ्री होता है सिक्स होता है नाइन होता है एंड ट्वेल्व होता है ट्वेल्व के बाद तो हम लोग का नंबर हाँ है ही नहीं क्योंकि लास्ट वन क्या है सिक्स प्लस सिक्स राइट ना सिक्स प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेल्व होता है ओके okay? टू से लेके ट्वेल्व तक नंबर हमारे पास है सो so, हम लोग को मल्टीपल करने पे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व सो ऐड करने पे ये नंबर आना मिलना चाहिए हम लोग को थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व ओके क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ थ्री बोला है ओके सो ऐसे ही मल्टीपल ऑफ फोर बोला जाता है तो फोर का मल्टीपल क्या होता है फोर एट फोर थ्री जहाँ ट्वेल्व ओके ये तीन होते हैं right राइट ना ऐसे सेम अगर मल्टीपल ऑफ फाइव बोला जाए तो फाइव का मल्टीपल क्या होता है फाइव एंड टेन होता है दो ही नंबर होते तो हम लोग को ऐड करने पे ऐसे नंबर जो फाइव मिलना चाहिए ऐसे नंबर जो ऐड करने पे टेन मिलना चाहिए उसी को नंबर लेना है so, सो इस, सेम इसके जैसे सॉल्व करेंगे जो भी दिया रहेगा मल्टीपल ऑफ सिक्स मल्टीपल ऑफ टू जो भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो ऐसा सेम सॉल्व करना रहेगा सो मल्टीपल ऑफ थ्री दिया है मीन्स हम लोग को मल्टीपल ऑफ थ्री क्या होता है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व होता है राइट ना सो so, ऐड करने पर थ्री नंबर मिलना चाहिए सिक्स मिलना चाहिए नाइन मिलना चाहिए एंड ट्वेल्व मिलना चाहिए तो देखते हैं टेबल में कौन कौन से मिलते हैं जो सैंपल स्पेस दिया है सो सैंपल स्पेस में देखते हैं मल्टीपल ऑफ थ्री ऐड करने पे थ्री आना चाहिए ओके okay, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ओके ऐड करने पे आना चाहिए सो so पहला ये मिल गया वन प्लस टू थ्री वन प्लस फाइव सिक्स टू प्लस वन थ्री राइट ना टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन क्योंकि हम लोग को नाइन हमारे पास भी है नाइन फोर प्लस टू सिक्स फोर प्लस फाइव नाइन फाइव प्लस वन सिक्स फाइव प्लस फोर नाइन सिक्स प्लस थ्री नाइन एंड लास्ट वन सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ओके सो ये नंबर हम लोग को मिले सो कितने नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड है, सो so, इसका जो हम लोग को आंसर मिला वो ट्वेल्व डिवाइड बाय थर्टी सिक्स मीन्स ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स सो वन डिवाइड बाय थ्री सो मल्टी जो एक चीजें मल्टीपल ऑफ थ्री है उसका प्रॉब्लिटी हम लोग को निकालेंगे तो क्या मिलेगा वन डिवाइड बाय थ्री मिलेगा नाव एलिस्ट्रेशन टू जो पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे है सॉल्व एग्जाम्पल ही है ओके okay, हम लोग पेज नंबर वाइज जा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो कोई डिफिकल्टी ना हो जो भी सम्स हम लोग को मिलेगा सामने हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ओके सो क्वेश्चन क्या दिया इफ़ प्रॉबलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज P ऑफ x इज गन डिवाइड बाई सिक्स ओके हम लोग को प्रॉबलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करके हम लोग को दिया है ओके okay, जो P ऑफ x रहता है हमारा क्या दिया है वन डिवाइड बाई सिक्सटीन थ्री डिवाइड बाई एट वन डिवाइड बाई फोर एंड जीरो दिया है ओके okay, सो वन डिवाइड बाई सिक्स कभी कभी रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी जब एक्स इजुअल टू माइनस वन एंड थ्री रहेगा एक्स इजल टू माइनस वन एंड थ्री रहेगा तो पी ऑफ एक्स क्या रहेगा वन डिवाइड बाई सिक्सटीन रहेगा ओके जब एक्स इजुअल टू जीरो रहेगा तो पी ऑफ एक्स क्या रहेगा थ्री डिवाइड बाई एट रहेगा जब एक्स इजल टू टू एंड फोर रहेगा तो पी ऑफ एक्स क्या रहेगा वन डिवाइड बाई फोर रहेगा अगर इनमें से अगर इनमें से अगर एक्स नहीं है कोई भी नंबर जैसे एक्स इजल टू फाइव नहीं है ना यहाँ पे सो so, ये अदरवाइज में आ जाएगा ओके सो अदरवाइज में पी ऑफ एक्स क्या रहेगा जीरो रहेगा सो so, सेम हम लोग को फाइंड आउट करना है पी ऑफ एक्स इज टू थ्री पी ऑफ एक्स लेस देन फोर वन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री सो so, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है सो so, हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा ओके सो फर्स्ट वन क्या है पी ऑफ एक्स इजल टू थ्री सो एक्स इज्वल टू थ्री के लिए प्रोबेबिलिटी क्या, right क्या दिया है क्वेश्चन में सिंपल दिख रहा है देखो एक्स इजल टू थ्री राइट ना एक्स इजल टू थ्री प्रॉबिलिटी क्या दिया है वन डिवाइड बाय सिक्सटीन तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया वन डिवाइड बाय सिक्सटीन आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ये बहुत ही सिंपल है राइट ना सेकेंड क्या दिया है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स लेस देन एक्स लेस देन वन दिया है ओके सो लेस देन वन कौन कौन से आते हैं लेस देन वन कौन कौन से आते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेस देन वन कौन कौन से आते हैं एक्स इजल टू माइनस वन और एक्स इजल टू क्या आएगा जीरो आएगा यही तो हमारे क्वेश्चन में देखो माइनस वन थ्री जीरो टू एंड फोर दिया राइट ना सो लेस देन वन लेस देन वन मीन्स जीरो और उसके और पीछे जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में नंबर आ जाएगा राइट ना लेस देन वन मीन्स वन से छोटा वन से छोटा नंबर कौन कौन से जीरो है एंड माइनस वन है ना तो वही मैंने लिखा है माइनस वन एंड जीरो करके लिखा है सो so, इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं पी ऑफ एक्स इज टू सॉरी माइनस वन ये कैपिटल में लिख देते हैं यहाँ पे ओके बिकॉज जो x है ये किसका सबसेट रहता है x का कैपिटल x का ही रहता है प्लस p ऑफ एक्स इजल टू जीरो ओके सो so p ऑफ एक्स इजल टू माइनस वन के लिए ये क्योंकि हमारा ये क्या रहता है ये जो p of, p पी इजल टू पी ऑफ है ये हमारा क्या रहता है p ऑफ एक्स इजुअल टू x रहता है राइट ना इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है ओके सो पी ऑफ एक्स इजुअल टू माइनस वन के लिए माइनस वन के लिए हमारा एक्स इजुअल टू माइनस वन रहेगा तो क्या रहेगा वन डिवाइड बाय सिक्सटीन रहेगा एंड पी ऑफ एक्स इजुअल टू जीरो के लिए ओके okay, क्या दिया जीरो के लिए थ्री डिवाइड बाई एट दिया राइट ना सो so, हम लोग क्या करेंगे वन डिवाइड बाय सिक्सटीन और ये एक्सल टू जीरो के लिए क्या दिया है थ्री डिवाइड बाई एट दिया है राइट ना अब इन दोनों को ऐड करेंगे ऐड करेंगे हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो सेम वही डिनोमिनेटर को सेम बना दो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे सिक्सटीन है यहाँ पे क्या एट है तो एट के अंदर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो सिक्सटीन आएगा टू राइट ना सो तो टू अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो टू हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये कंपल्सरी रहता है ओके सो अभी वन डिवाइड बाई सिक्सटीन प्लस थ्री टू जर सिक्स एट टू जर सिक्सटीन हो गया अभी देखो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया राइट ना सो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे तो सेवन डिवाइड बाय सिक्सटीन मिल जाएगा इसको अभी कट नहीं कर सकते तो इसको हम लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं तो एक्स लेस देन वन ओके सो पी ऑफ एक्स लेस देन क्या आया सेवन डिवाइड बाय सिक्सटीन आया इसके बाद हम लोग को जो थर्ड दिया है थर्ड क्या दिया ग्रेटर देन थ्री दिया है ग्रेटर देन थ्री सॉल्व करते हैं क्या आता है ओके सो थर्ड वन क्या दिया है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री सो थ्री से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें दिया आपको देख लो ओके जो एक्स दिया है माइ एक्स दिया है माइनस वन जीरो टू थ्री फोर इतना ही दिया राइट ना आप यहाँ पे देखोगे तो इतना ही नंबर दिया है ओके सो ग्रेटर देन फोर सॉरी ग्रेटर देन थ्री हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन थ्री फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन थ्री थ्री फाइंड आउट करना है तो एक ही नंबर है फोर है वो राइट सो so, एक ही नंबर मिलता है फोर सो so हम लोग को उसका जो एक्सजुअल टू फोर है ओके यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन थ्री क्या मिलेगा हम लोग को एक्सजुअल टू फोर है ओके अगेन मैं स्मॉल में लिख जा रहा हूँ ओके सो एक्स इज़ टू फोर सो एक्स इज टू फोर का जो प्रोबेबिलिटी है क्या है वन डिवाइड बाय फोर है सो so, इसका आंसर क्या आएगा वन डिवाइड बाय फोर आएगा सो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री क्या मिला वन डिवाइड बाई फोर ऐसा बहुत ऐसा और भी सम है बहुत ही सिंपल सम है इतना ही सोल्यूशन है ओके फाइव मार्क के लिए इतना ही पूछता है डिफरेंट है बट थोड़ा ये क्वेश्चन जो है हो जो हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ही सिंपल है आप लोग हाई हो आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे ओके सो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर भी ज़रूर कर लो ओके सो नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंड सिमिलर क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये कैसे करते हैं ओके सो प्लीज़ लाइक like कर लो एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लो ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल